इस वीडियो में आप देखेंगे चाहे आपके पास सीलिंग फैन है या फिर कूलर है तो उसकी स्पीड कंट्रोल कैसे लगा सकते हो। ये देखिए, ये रेगुलेटर है, उसके लिए आप सिंपल एक एक्सटेंशन बोर्ड जो यूज करते हैं उस एक्सटेंशन बोर्ड में रेगुलेटर का कनेक्शंस करके आप अपने सीलिंग फैन हो या फिर कूलर का स्पीड को कंट्रोल में कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ ये स्पीड कंट्रोलर रेगुलेटर लगाने का तरीका दिखाता हूँ, सबसे आसान और बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये जो एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ से एक स्विच को हटाकर मैं इसकी जगह में रेगुलेटर लगाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट लगा लेता हूँ, फिर आपको इसके वायरिंग के बारे में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड काफ़ी ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने सीलिंग फैन का रेगुलेटर की वायरिंग कनेक्शन को समझ सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स में रेगुलेटर को फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसके कुछ कनेक्शंस होते हैं तो काफ़ी आसान तरीके से दिखाने वाला हूँ। पहला, ये जो वायर देख पा रहे हो ये न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं और इसको हमने फेस पॉइंट बनाया हुआ है। अब मेरे पास ये दो वायर जो है रेगुलेटर के हैं और हमारे पास दो वायर इस सीलिंग फैन का है। अब हमें इस रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरीके से करना है। अगर मान लो आपके पास जो स्विच बोर्ड है उसमें स्विच नहीं है और सिर्फ आप रेगुलेटर से ही बंद और चालू करना चाहते हैं तो उसकी वायरिंग की कनेक्शंस पहले बताता हूँ किस तरीके से करना है। जो सीलिंग फैन का दो वायर होता है उसमें से एक वायर को फिलहाल हम यहाँ से अलग रख देते हैं, एक वायर की अभी कनेक्शंस करते हैं वो भी इस रेगुलेटर की एक वायर के साथ। ये देखिए, तो इस तरीके से रेगुलेटर के एक वायर के साथ हमने इसकी कनेक्शंस कर दिया है। अगर स्विच में अलग से स्विच बोर्ड नहीं है बोर्ड पे तो सिंपल रेगुलेटर से ही आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इस रेगुलेटर का वायर को आप ये जो पावर वाला वायर दिख पा रहा है उसके साथ कनेक्ट करना है, यानी कि इस वायर को इस के साथ इस तरीके से कनेक्ट करना है जिससे आपके जो रेगुलेटर है उससे ही ऑफ होगा और ऑन होगा। तो चलिए मैं फटाफट इसके दोनों वायर को जोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप अब वायरिंग को अच्छे से ध्यान से देख लें। ये जो सीलिंग फैन का एक वायर जिसमें हमने न्यूट्रल का पॉइंट दे दिया है, दूसरा वाला जो सीलिंग फैन का वायर है उसको इस रेगुलेटर के एक वायर को जोड़ा है। अब इसी रेगुलेटर का दूसरे वाले वायर को हमने यहाँ पर सीधा पावर दे दिया है जिससे अगर हम अब ऑन ऑफ करेंगे तो सिंपल हमें स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी रेगुलेटर से ही ऑफ होगा और इसी से ही ये ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके कनेक्शंस को कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके बिजली की बोर्ड में एक एक्स्ट्रा स्विच है और उस स्विच का कनेक्शन रेगुलेटर के साथ करना चाहते हैं, यानी कि स्विच से ही ऑन और ऑफ हो जाए, रेगुलेटर से सिर्फ कम या ज़्यादा करने का काम करना चाहते हैं तो उसकी कनेक्शन भी काफ़ी सिंपल है। उसके लिए देखिए, सिंपल इस न्यूट्रल वाले वायर को न्यूट्रल के साथ तो देना ही देना है। अब यहाँ पर ये जो इंड यानी कि रेगुलेटर का जो वायर है उसको डायरेक्ट पावर नहीं देकर इसके पॉइंट पर देना है। तो चलिए मैं इसके भी वायरिंग करके आपको फटाफट दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो फिर से बताते हैं, ये जो सीलिंग फैन का एक वायर को हमने न्यूट्रल पॉइंट दे ही दिया है, दूसरा वाला जो वायर है सीलिंग फैन का उसको रेगुलेटर के साथ लगाया हुआ है और रेगुलेटर का दूसरा वायर को हमने यहाँ पर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगाया है, यानी कि हमने इस वाले वायर को यहाँ से न्यूट्रल दे दिया है और ये जो पावर यहाँ पर गया है तो स्विच यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। जब तक कि स्विच ऑन नहीं करेंगे तो रेगुलेटर तक पावर नहीं पहुँचेगा और ये ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये जो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा और रेगुलेटर को पावर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप स्विच से ऑन ऑफ करके और इससे पावर बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उसका इस तरीके से आप कनेक्शंस कर सकते हैं। अब बताता हूं कि सिंपल आपके पास सिंपल दो ही वायर जो सीलिंग फैन का है और स्विच बोर्ड के साथ रेगुलेटर का कनेक्शंस नहीं करना चाहते हैं तो इन दो तारों के बीच में भी आप अपने एक रेगुलेटर लगाकर पंखा की स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम कर सकते हैं। चलिए उसके लिए कैसे करना है वो बताता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पंखे का टू पिन वायर है, उसमें के साथ हम यहाँ पर रेगुलेटर का कनेक्शंस करने वाले हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीके हैं फ्रेंड, मैं यहाँ से किसी भी एक तार को बीच से कट करता हूँ और इसकी कनेक्शंस कर लेता हूँ। चलिए करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस 2 पिन के यानी कि इस सीलिंग फैन का एक वायर को बीच से काट कर इसके बीच में रेगुलेटर का ज्वाइंट कर दिया है। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इसको बिजली की बोर्ड में एक तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पर हम स्विच ऑन करेंगे और यहाँ से हम इसकी रेगुलेटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि पंखे की स्पीड को यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे सिंपल 2 वायर अगर यूज़ करके आपने सीलिंग फैन को चला रहे हो तो उसके साथ भी रेगुलेटर का कनेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से लगाया, स्विच को ऑन किया, अभी जो हमारे पास रेगुलेटर देख पा रहे हैं इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारा पंखा हल्का हल्का घूमने लग जाता है, ये देखिए। तो फिर इस तरीके से आप अपने सीलिंग फैन में रेगुलेटर का कनेक्शन को कर सकते हो। काफ़ी सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके सीलिंग फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन बताया है। अगर आपके पास सिर्फ एक टेंशन बोर्ड है उसमें भी लगा सकते हो, या फिर दीवार पर लगे बिजली का बोर्ड है उस पर भी लगा सकते हो, या फिर सिंपल आप सीलिंग फैन में 2 वायर का यूज़ करके बिजली की बोर्ड पर चलाते हो तो उस वायर के बीच पर भी रेगुलेटर लगा सकते हैं। काफ़ी सिंपल आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो से जानकारी मिलेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।